सरों का। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुद्दा है बड़ा अहम है, क्योंकि मुद्दा राजनीति में आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप इसलिए क्योंकि इस समय देश में बयानबाजों की राजनीति इस समय चरम पर है। चरम पर के भी एक मायने हैं। यहाँ जो कहते ना कि अगर बयानबाजी हो रही है तो उसका लेवल क्या है, तो यहाँ बयानबाजी राष्ट्रीय स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर बयानबाजियों की अलग व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर रावण के 10 सिर, यहाँ पर सूर्पनखा, मौत का सौदागर, तमाम तरह के बयान इस समय चर्चा में हैं। तो अगर राज्य स्तरीय बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बयानों की जो चर्चा है वो बड़ी चरम पर है। उत्तर प्रदेश के बयानों की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल 203 बयान हैं जो चर्चा बने हुए हैं। एक तो जिस तरह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ गए थे और मैनपुर में सभा करते हैं, उन्होंने पेंडुलम फुटबॉल जैसी बात कही कि कुछ लोग पेंडुलम फुटबॉल हो गए हैं, पता ही नहीं कहाँ जाएंगे, कोई यहाँ से कहीं मारता है, कोई वहाँ से कहीं मारता है। उसके बाद दूसरी अगर बयानबाजी की बात करें तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को न्योता दे दिया कि 100-100 विधायक लेकर आएँ और चाहें तो अपनी सरकार बना लें, उनको हम सीएम बना देंगे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि अगर एक बयान की और चर्चा करें तो वो बयान तो और अलग हो गया है, क्योंकि अगर हम बयानों की बात करें, वो बयान कहा गया है कि जो बीजेपी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी, फ्रांसीसियों जैसी, उसने बाद में भारत को गुलाम बना लिया था और भारत पर राज करना शुरू कर दिया था और अपनी ब्रिटिश सेना को यहाँ पर काबिज करा दिया था। बाद की बात तो स्त्री पता है, हमारा देश सैकड़ों वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सेना के अधीन रहा और गुलामी की जंजीरें 15 अगस्त 1947 को टूट पाई थी। अथक संघर्ष, क्रांतिकारी भी और हिंसाकारी भी। पर जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति यानी हमारी भारतीय राजनीति की सूचना को यहाँ पर ख़राब कर रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र होने के नाते अगर यहाँ पर भारतीय राजनीति में इस तरह के बयान आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो वैश्विक साख है वो कहीं ना कहीं खराब होगी। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको G20 की यहाँ पर हमको अध्यक्षता मिल रही है और G20 के साथ साथ हमको तमाम जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता हमको मिल चुकी है, तो तमाम यहाँ पर आयाम हम प्रस्तुत कर रहे हैं, पर वहाँ भारतीय राजनीति में इस तरह के बयान वो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं और जो हमारा लोकतंत्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी गरिमा में कहीं ना कहीं यहाँ पर दाग लगता नजर आ रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव के कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार हार से अखिलेश यादव जी बदहवास हो गए हैं और इसीलिए बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता को ये अधिकार होता है कि जनता किस पार्टी को चुनाव जिताए और किसको मुख्यमंत्री बनाए। अखिलेश यादव अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आज उप मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए वो डिप्टी सीएम है, एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ वो जानते होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने आई थी, वो सरकार नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड में एक कानून बना, वही कंपनी सरकार बन गई। और आप देखो आपकी जो भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार है, धीरे धीरे कर करके सब पैसे दे रही है और हो सकता है एक दिन ये भारत की सरकार भी कंपनी के हाथ में आउटसोर्स हो जाए, कोई और चलाएगा। जब सरकार के हाथ में ही कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा?
समय बयानों को लेकर चर्चा में है। जहां एक तरफ मैनपुरी, रामपुर, खतौली में चुनाव को लेकर यहां पर सरगर्मी लगातार जारी है, तो वहीं अखिलेश यादव भी तमाम तरह के बयान को लेकर चर्चा बने हुए हैं, और बयान भी ऐसे जिनका कोई सिर है ना पैर है। सिर पर कैसे कि यहां पर अगर 100-100 विधायक बुलाकर अगर सरकार बना देंगे और सीएम केशव प्रसाद या मौर्या डिप्टी ब्रजेश पाठक में किसी एक को बनाएंगे तो खुद क्या करेंगे ये भी बता देते, प्रसाद उन्होंने बताना उचित नहीं समझा। फिलहाल जो ये न्योता है वो इससे पहले भी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्या को आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव के समय दिया था। हालांकि इस बार थोड़ा सा बयान अलग है, इस बार उन्होंने एक डिप्टी सीएम नहीं बल्कि दोनों डिप्टी सीएम को न्योता अलग अलग दे दिया है कि चाहें तो 100 विधायक लेकर आए और यहाँ पर सरकार बनाए और सीएम बन जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना भी भारतीय जनता पार्टी से कर दी है कि धीरे धीरे करके सब भेज देगी और किसी दिन ऐसा होगा कि भारत भी इन कंपनियों के अधीन हो जाएगा। खैर इस तरह के बयान की ज़रूरत क्या है अगर वास्तव में हम पार्टियां बेहतर कर रही हैं, विकास की बात कर रही हैं, तो हमारे लिए जनता के मुद्दे पर्याप्त होने चाहिए, पर जनता के मुद्दों की यहाँ बात कुछ नहीं होती है। यहाँ पर तो केवल राजनीति हो रही है, वो हो रही सत्ता के लिए, सीटों के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए। और यहाँ पर अब हम अपने जो आज के मेहमान उनको रूबरू कराने जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के में वे जो गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वही बेहतर बताएंगे कि इस तरह के बयानों की क्या महत्व है और क्या भूमिका है। हमारे साथ नेता सपा के रूप में बेबी पांडे भाई जुड़े हुए, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी भाई हमारी पार्टी जुड़े हैं और नेता भाजपा के रूप में सपा भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला हमारा सवाल रहेगा बेबी पांडे से रहेगा। बेबी पांडे भाई, क्या हुआ भाई, इनको अखिलेश यादव तमाम तरह कल न्योता दे रहे थे और आज ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है बीजेपी को, भाई क्या दिक्कत है? चुनाव लड़ रहे हैं कि यहाँ पर बयानबाजी चल रही केवल? जी प्यासीन जो प्रवक्ता और पैनल है, दोनों ही मेले हृदय के बहुत करीब है और दोनों ही मेले बहुत सम्मानित है। अच्छी बात है। वैचारिक भेदभाव है वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों ही सम्मानित पैनलिस्ट को मैं पहले तो नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखूंगा। देखिए ये बात तो बड़ी देर से कही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मैं तो कई डिबेट में पहले भी कह चुका हूँ कि ये तो कंपनी राज की तरफ बढ़ रहा है देश। याद करिए वो दिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में काबिज थी और किस तरीके से लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाने का, हतोत्साहित करने का प्रयास करती। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया जी। दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देने वाली बात, ये ऑफर नहीं दी गई, आप इसका अर्थ नहीं समझ पाए। अच्छा। ये ऑफर नहीं दी गई, ये उनको अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका या इसको एक कटाक्ष समझिए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम के लिए किया गया है। अच्छा। एक जो अपनी कुर्सी न बचा पाए, एक जो अपनी विधानसभा न जीत पाए और एक जो बेचारे लगातार अच्छे काम करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको मौन कर दिया गया। भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग सब उजागर कर गए, हर तरह का प्रलाप कर गए, लेकिन उनकी ही बातों पे उनकी ही सरकार ने यह जता दिया कि आपको सिर्फ एक नामित पद दिया गया है जिसका काम केवल फोटो खिंचवाना या स्टूल पे बैठ करके कोने में बस शोभा बढ़ाना है। ये कौन सी बात है? और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के किसी भी बात का कोई संज्ञान इस सरकार ने लिया। अच्छा। अब सबसे बड़ी बात बयानों की करते हैं भाई। कुछ दिन पहले जब रावण एक शब्द से उद्घोषित किया गया था कांग्रेस के लोगों द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत छाती पीट पीट के प्रलाप किया था भाजपा वालों ने, लेकिन आपको याद होगा अभी भाजपा कार्यालय का जब मैनपुरी में उद्घाटन किया गया तो वहां पे जो विधायिका जी आई उन्होंने कहा मैनपुरी के रावण का, तो ये शब्द भी मुझे लगता है कि उसी परिधि में माना जाना चाहिए। तो इसके लिए तो भाजपा को भी माफी मांगनी चाहिए। सबकी भर्त्सना करते भाई, एक देश में सुन लीजिए, एक देश में एक राजनीतिक दल के लिए अलग कानून और बाकी राजनीतिक दलों के लिए अलग कानून, ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव का परिचायक है। और कंपनी राज की बात तब आती है जब सालों साल से बनाई इस देश की स्वायत्त संस्थाओं को सरकारी निगमों को बेच बेच करके ये सरकार केवल बेरोजगारी दर देखिए ना 1.59% से बढ़ गई, अब तो हम 8% के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। कहां 7%, 7.6% या 8% के ऊपर बेरोजगारी दर कल आ गई, सीएमआई की रिपोर्ट फिर आ गई। तो मुझे लगता है गौरव भाई इस बार जुमला नहीं काम करेगा। और रही बात जहां तक किला ढाने की है तो अब यकीन मानिए सरकार अगर इतनी सक्षम है तो कल तक चाचा जी को जो जेट प्लस सिक्योरिटी दे रही थी, कल तक
चाचा जी को जो पाक साहब बता रहे थे, अच्छा। कल तक जो प्रवक्ता चाचा जी की पैरवी कर रहे थे, आज परिवार ने सम्मान दे दिया, तो फिर इनको इतना कष्ट क्यों हो रहा है भाई? अच्छा, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो विरोध की बात हो रही थी, मैंने सुना कि कुछ व्यापारियों का एक प्रतिनिधि शिष्टमंडल जो है जंतर मंतर पे, जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रहलाद मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा। मोदी जी के भाई, अच्छा। जो सदन को घेरने की तैयारी कर रहे थे या रणनीति बना रहे थे, तो भाई परिवार का विरोध तो वहां पे भी है, अच्छा। तो मीडिया कर्मी या जो इस देश के बुद्धिजीवी है, ये सवाल मोदी जी से पूछे कि आप अपने भाई को समझाने में सक्षम क्यों नहीं रहे? आपके भाई आपकी ही शासन सत्ता का विरोध क्यों कर रहे थे? आप, तो मुझे आप, लगता है देखिए मुद्दों की बात होनी चाहिए। जी बेबी भाई, तो इस देश में 8 साल 9 साल में जुमले ही सुने हैं। जी 15 लाख आ रहे थे, सुनिए काला धन आ रहा था, मेरी बात आ जाए, हाँ, काला धन आ रहा था, सदन में कह दिया कि काला धन कितना है विदेशों में हमें पता नहीं है। उसके बाद उद्योग लाने की बात थी, उद्योग तो विस्थापित होते जा रहे हैं। चीन की बात, कल तो चीन से जुड़ी एक रिपोर्ट आई कि कई बंकर बना लिए चीन ने, और मोदी जी तो कह रहे थे देश में घुसपैठ नहीं हुई। तो मुझे लगता है देखिए सरकार को गंभीर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, केवल ये फोटो खींचना, केवल बयानबाजी करना, विकास के कार्य बताइए ना, मैनपुरी में आप क्या करने जा रहे हैं, या आप देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे उस पर बात करिए। जहां योग्य लगेगा हम भी आपको समर्थन देंगे। और रही बात आलोचना और कटाक्ष की, तो देखिए जिस तरह के बयान भाजपा की, मैं तो कह रहा हूँ सारे बयान छोड़ दीजिए, आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वही जो उन्होंने भाजपा विधायिका ने, हाँ, जो पार्टी कार्यालय के इनके वहां पे कहा कि आपको मैनपुरी के रावण का करना है, तो मैनपुरी का रावण आपने कहा, आप माफी मांगेंगे क्या? आप कांग्रेस से कैसे मांग सकते थे कि कह सकते थे कि माफी मांग लो? अच्छा, जब आपको कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि रावण समान आपने बड़ा कष्ट हुआ, भाई समाजवादी पार्टी भी मांग कर माफी मांगे भाजपा। ठीक है भाई, मैं आपसे 3 सवाल रहूंगा, क्योंकि आपने मीडिया की बात भी कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, तो मैं तो सब बयानों की भर्त्सना करता हूं, मुझे तो कोई बयान नहीं चाहिए। मैं क्यों किसी पे बयान देंगे? आप भारतीय राजनीतिक शुचिता को क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्यों बोलते हैं रावण, रावण कहे या सूपनखा कहे या मौत का सौदागर कहे या तालिबानी सरकार कहे, मुझे तो कोई बयान नहीं चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से मैं तो सभी बयानों को भर्त्सना करता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि जो परिवारवाद है वो आप उनकी बुराई करते, जेट यानी जो आपने कहा कि जेट श्रेणी सुरक्षा हटा ली गई, तो शिवपाल सिंह यादव स्वयं बयान देके राजनीति करवाते रहते थे। कभी बोलते थे जिनको सम्मान नहीं मिला उनको सम्मान देंगे, कभी बोल रहे थे जो हम अलग जा रहे हैं। आपने कहा मीडिया, भाई आपने कहा मीडिया कर्मी दिखाते हैं, तो मीडिया कर्मी को यह भी दिखाया जाता है कि अखिलेश यादव बोलते हैं कि जिसको जहां जा रहा हो वहां जा सकता है, तो मीडिया कर्मी तो वही दिखाएंगे ना, जो बयानबाजी होगी, जो बयान शिवपाल यादव देंगे, जो बयानबाजी अखिलेश यादव देंगे, हम तो नहीं बयानों की चर्चा करेंगे। अब परिवार एक है, परिवार अलग है, वो आप जस्टिफाई करिए, हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम तो बयान दिखाएंगे। इसका जवाब भाजपा से लीजिए। नहीं नहीं, इसका जवाब तो भाजपा, आपने मीडिया के भी कहा था ना कि मीडिया कर्मी दिखाते हैं, मीडिया कर्मी जो दिखाते हैं वो आप बोलते हो वही दिखाते हैं। खैर अभी फिलहाल सपर भाई को लेते हैं। रवीश कुमार जी के मुद्दे पे जो मीडिया कर्मियों ने, एक से एक बड़े दिग्गज एंकरों ने जिस तरह के ट्वीट किए हैं, वो भी तो स्वीकार नहीं है। जी किसको भाई? रूबिका लियाकत जी ने तो सीधे अंत बता दिया एनडीटीवी का, जबकि एनडीटीवी का मालिक बदला गया है, एनडीटीवी थोड़ी बंद हो गई है। अरे तो मीडिया के, मीडिया जो संस्थान है वो अधिकांश कॉर्पोरेट घराने चला रहे हैं। कौन चला रहा बताइए आप, अलग थोड़ी ना है, कोई ऐसा थोड़ी ना हुआ कि एनडीटीवी को अडानी खरीद लिया तो आप, जी। अरे सरकार तो विपक्ष के लिए भी तो आवाज उठाइए, तो विपक्ष के लिए आवाज उठाते रहो, विपक्ष के बस ट्वीट से करेगा क्या? भाई भाई, हमारी मांग ये है कि जी, हमारी मांग ये है जी, सुन लीजिए, हमारी मांग ये है कि हर मीडिया संस्थान में एक गौरव होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक, जो कि विपक्ष की भी आवाज को मौका दे। अच्छा ठीक है, हाँ विवेक भाई, मेरा कहना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ट्वीट कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, बात कह रहे हैं, अगर जो आपने कहा कि रावण कहा गया, तो मैं या जनता के कोई भी मुद्दे हों, उनके लिए धरातली संघर्ष भी तो होना चाहिए। कि जैसे आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं इस समय, तकी भाई अभी 10 दिन में 800 सम्मेलन कर डाले हैं और लगातार यहाँ चर्चा बने हुए हैं। कभी गंदगी हटाओ यात्रा निकालते हैं, कभी झाड़ू लगाओ यात्रा निकालते हैं, चर्चा बने रहते हैं। तो कोई ऐसी चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्ष से भी हम कर सकते हैं ना, कि भाई आइए रोड पर आइए, कुछ संघर्ष करिए। केवल ट्वीट से करेंगे, केवल बयान से करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। ऐसे बयान मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, भूमिका निभानी पड़ेगी। ठीक है देवे भाई, अभी जवाब लेता हूँ आपसे। नहीं कर रहा है तो विपक्ष से डरते क्यों है भाजपा के लोग? अच्छा तो आप आओ ना, आप रोड पे क्यों नहीं आते? अगर विपक्ष का संघर्ष कहीं नहीं है तो विपक्ष के सामने लड़ने की इनको तो स्वघोषित जीत घोषित कर देनी चाहिए। चलो पूछ लेता हूँ सवाल भाई, यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान आए हैं, और विवेक भाई ने यहाँ पर काफी बताया है कि हम तो उन बयानों का समर्थन करते हैं, कि जब डिप्टी सीएम वहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने ही विभाग के चीजों को खुलासा कर रहे हैं, डमी के बने बन के बैठे हुए हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है
कि जिस तरह से देश में तमाम चीजें बेची जा रही हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे राज की जिन्होंने जो तुलना की है वो सही है, और ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत पहले भी बोल सकते हैं ये बात। सवार भाई बोलिए, कैसे कहेंगे इसको? आज मैं सिर्फ दो शब्द बोलूंगा, उसके बाद शांत हो जाऊंगा जी। बहुत से पूछता हूँ जो कि बहुत अनुभव बात, तो इनके जो जनरल नॉलेज है बहुत कम है। अच्छा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और राष्ट्रवाद में फर्क समझना चाहिए। बता दीजिए राष्ट्रवादी पार्टी कौन है? ये जो आपको दिख रहा है सपा बसपा, ये लोग कांग्रेस में जब इनकी उपेक्षा हुई तो इन्होंने जाति के नाम पर अपने अपने दल बना लिए। अच्छा, तो ये जातिवादी पार्टियां हैं, जाति को बढ़ावा देने वाली पार्टी। अच्छा, रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी इस वक्त बहुत दुखी हैं। अच्छा, उनको जो है लोगों के, जो इनके आसपास के लोग हैं उनको दिलासा देना चाहिए कि अभी अभी उनके पिताजी का देहांत हुआ, वो एक तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद मैनपुरी चुनाव पड़ गया, वहाँ उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है अपने अस्तित्व को बचाने, क्योंकि मैनपुरी से हार चुकी है। कन्नौज से हार चुकी भी, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस देखिए अस्तित्व बचाने के लिए पैदल रंग के राजकुमार पैदल चल रहे हैं। अच्छा, औरंगजेब जो है हमारे यादव पार्टी के जराशी, ये कैसी बात है भाई, किसको औरंगजेब बोल रहा है भाई? ये अपना बिल्कुल बोलेंगे, जब ये हमारी तुलना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से कहेंगे तो हम इनको औरंगजेब नहीं कहेंगे। हाँ, बताइए, बोल दीजिए भाई औरंगजेब ने भी तो हत्याएं की सबकी। अच्छा, उसके बाद सत्ता हासिल की। अच्छा, उसके बाद सत्ता हासिल की थी औरंगजेब ने। अच्छा, औरंगजेब अपने भाइयों का सबका हत्यारा था कि नहीं था, इतिहास पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब इनका दिमागी संतुलन खो चुका है। अच्छा, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो इस तरह के उलझ जुलू बयान दे रहे हैं। इनको इस वक्त दिलासे की जरूरत है। अच्छा, इनकी पार्टी के लोग इनको बैठा दें और बता दें कि अच्छा, जो है कोई भी परंपरा का जो चुनाव होता है, ये इन्होंने एक तो बयान दिया कि 100 विधायक लाइए मुख्यमंत्री बना देंगे, ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के विधायकों को खरीदना चाह रहे हैं, निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी चीज कि ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इनका काम ही यही है खरीद फरोख करना। अच्छा, इन्होंने बता दिया कि हम खरीद फरोख करके जो है राजनीति करते हैं, सियासत में आते हैं, ना कोई नेता है ना कोई नीत है, ये इस तरह की तो पार्टियां हैं, इनका कौन नेता है भाई? आपकी बात पर विवेक भाई बड़ा हंस रहे हैं। देखिए हंसना इनका काम ही हंसना नहीं, ये अस्तित्व बचा रहे, हंस करके अपना समय पास कर रहे हैं, अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, कम से कम हंस के ही बता दे। आप देखिए जितने नोटबंदी है ना, कोरोना काल अब नहीं आएंगे, हमको जनता 14 से चुनती चली जा रही है, और पूर्व मोहम्मद की सरकार दे रही है, ये भी नहीं कि किसी के रहमो करम पे हम, पूर्व मोहम्मद की सरकार, तो जनता के बीच में हम है, जनता के लिए सवाल भाई। इन्होंने ये बात और कही कि चाचा भतीजा के बीच कोई मतभेद नहीं था, ये तो मीडिया बंधु और तमाम तरह के राजनीति जो राजनीति है दल है, ये लोग उसको बात को उठा रहे थे, कोई मतभेद थोड़ा था। देखिए मतभेद शुरुआत ये हुई कि जब मुलायम सिंह जी ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की बारी आई, उनका भाई उनकी पार्टी का अपना मामला, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो एक बात इन्होंने कही कि सुरक्षा जांच एजेंसियां देती हैं, अगर उनकी जान को खतरा होगा तो उस हिसाब से सुरक्षा दी जाएगी। अच्छा, जांच एजेंसियों को कि नहीं है तो सुरक्षा कम कर दी गई। अरे खतरा किससे था उनको? खतरा तो अखिलेश जी को भी मालूम है, शिवपाल यादव को भी मालूम है किससे किसको खतरा है। अच्छा, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरा प्रदेश जान रहा है किसको किससे खतरा है। अच्छा, लेकिन आप रही सुरक्षा की बात, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, मैं जनरल लेके नहीं चलता हूँ, एजेंसियों को लगता है मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे नहीं मिला, इसमें कौन सी बात है कि साहब बीजेपी ने हटा दिया, आरोप लगा रहे कि बीजेपी ने सुरक्षा, बीजेपी क्यों सुरक्षा कम करेगी? बीजेपी सुरक्षा क्यों कम करेगी? और हमारे यहाँ तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की सुनी नहीं जा रही, उनकी सुनी जा रही है, ये कंट्रोलिंग है, इसको कंट्रोलिंग करते हैं। आपके यहाँ मुख्यमंत्री आवास से गुंडे सरकार चलाते थे, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री सरकार चलाता है और थाने अपनी मर्जी से चलते हैं, किसी के फोन से नहीं चलते हैं, इस चीज को सोचना पड़ेगा इनको। हमारे यहाँ जिनको जिम्मेदारी मिली है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, भ्रष्टाचार भी नहीं कि फोन करके ट्रांसफर और पोस्टिंग कराएं, जब सरकारी नौकरियां निकलती थी तो चाचा भतीजा निकल जाते थे पैसा वसूली करने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी जी बिल्कुल निकलते थे झोला लेकर के कि साहब नौकरी निकली है हमारे पिताजी की सरकार में, हमको इसका जो है सहयोग मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, ताकि हमारी सरकार कोई मंत्री फंसा आरोप में जी, किसी भ्रष्टाचार में फंसा, ये कंट्रोल है हमारी सरकार का। अच्छा ठीक है, कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भी है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है। ठीक है तकी भाई, भाई आप इसी देश में रहते हो तब से फिलहाल आप भी राजनीति चरम पर कर रहे हैं, निकाय चुनाव भी आने वाले, उसके पहले ही यहाँ पर राजनीति गर्म हो चुकी है और गर्माहट इस कदर है
कि उत्तर प्रदेश से देश से होते हुए अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई है, बोल रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बीजेपी को अंतर नहीं। अरे भाई ऐसी वाणी वो सुना सुनिए सभी ताजी का ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए और को शीतल करे खुद हो शीतल होए कबीरा खुद हो शीतल होए माटी कहे कुभार से सुनिए तो माटी कहे कुभार से तू करो दे तू एक दिन ऐसा आएगा मैं रो तू की तोए कबीरा मैं रो तू की तोए। तो ये देश है जहाँ पे दो लोकतंत्र बात नहीं कर रहे हैं, जनता की बात भी कर रहे हैं। कबीर दास जी के तोहे में संदेश है कि मीठी वाणी बोलिए, एक दूसरे सम्मान करिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो मिट्टी जो है वो कुम्हार से कह रही है कि मुझे रंगो ना, लोकतंत्र रहो ना, लोगों के अधिकारों पर रहो ना, एक दिन यही लोकतंत्र रोन देगा। तो लोग ऐसे लोगों को लोकतंत्र रोन दिया है तो जनता की बात नहीं करते, जनता अधिकारों की बात नहीं करते, जनता कष्टों की बात नहीं करते, जनता की पीड़ा की बात नहीं करते। लगातार पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, अभी तक डीजल पेट्रोल के रेट कम नहीं हुए, सुनने में आ रहा था वो रेट कम किए जाएंगे लेकिन रेट कम नहीं हुए। पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का रेट नीचे। जी बोले, ये मामला ये इशू है और भारत की जनता बहुत पीड़ा में परेशानी में है। अच्छा, और उसको जो है रोजमर्रा के परेशानियों का अपना जवाब चाहिए। लगातार फीस स्कूलों में बढ़ रही है, लगातार डेंगू से मरीज परेशान, अगर डेंगू से क्या हो गया, टाइफाइड से फीवर में लोग परेशान है, चिकनगुनिया से लोग परेशान है। तो लोग अपनी समस्याओं के लिए खुद लड़ रहे, सरकार से तो कोई भी मदद नहीं मिल रही है, ना कूड़ा साफ हो पा रहा है, ना नालियां साफ हो पा रहा, गली का प्रोग्राम था, कितनी सड़कें बन गई, भारतीय जनता पार्टी के लोग खासतौर से, और जिनका मैनिफेस्टो सिर्फ पेपर में छपने के लिए और मीडिया में दिखाने के लिए होता है, बाद में बीजेपी के लोग उस मैनिफेस्टो को कूड़े फेंक देते हैं। इनसे पूछे भाजपा के लोगों से, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, कितना लोगों को उससे फायदा हुआ, महंगाई कितनी कंट्रोल हुई, काला धन कितना आया, नोटबंदी से क्या फायदा। तकी भाई अभी आपने कहा ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा खोए और उनको शीतल कहे और आप शीतल होए, यहाँ पर अखिलेश यादव किसको शीतल करने जा रहे भाई, अपने को शीतल कर रहे हैं दूसरे शीतल कर रहे हैं। भाई अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी, जो दो पार्टियां मुख्य रूप से जो सत्ता में है, एक सत्ता में विपक्ष में, जिन्होंने सत्ता का मजा भी चखा है, तो दोनों लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जनता के क्या होता है, आपकी आवाज कुछ कट रही है। सपा बारे कौन सा मजा चक्र है भाई आप लोग, इससे पूछे आप मुझसे पूछे, ये तो यही, ये तो आप वाले ही बता सकते हैं, ये तो आप वाले ही बता सकते हैं कौन सा मजा चक्र है। अच्छा देखिए, हम जो है वो प्रेम का, जनता के प्रेम का, विश्वास का मजा चक्र है। जनता ने 3 बार लगातार हमको चुना, जनता से जो हमने वादे किए थे पूरे वादे पूरे किए, अरविंद केजरीवाल ने जो 72 वादे किए थे पूरे करते उससे ज्यादा काम किया। पंजाब में हमारी सरकार बने 6 महीने में, पंजाब में हमने बिजली फ्री कर दी है, ओल्ड पेंशन बहाल कर दी है, लोगों को नौकरियों पर रख दिया है। हम भाजपा की तरह नौकरियां मांगने वाले युवाओं के ऊपर डंडे नहीं बरसा रहे, उनके सर नहीं फोड़ रहे, उनके हाथ पैर नहीं तोड़ रहे, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। देश में किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में आए दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गोमती के पास में जाके कूद जाते हैं योगी जी के सीएम आवास के पास ही। तो जो बातें हैं सब खोखली बातें हैं, जनता को कुछ मिल नहीं रहा है और जनता में बड़ा उदासीनता है इस बात को लेकर। सियासी पार्टियां जो है मुसलमानों को पूछ रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं मुसलमान है, मुसलमानों की बात करें, बताइए कितने मुसलमानों की नौकरी थी पंजाब में दिल्ली में, सूची है क्या? अरे यूपी का बता दीजिए, 4000 शिक्षक भर्ती। साहब से कहिए अब जीएस अच्छे से पढ़ के आए अपने, खराब है। पंजाब के अंदर हम नौकरियां सबको दी है, हम ये धर्म जात की बात करते नहीं, हम जन धर्म जात की संख्या बताइए। आम आदमी पार्टी सबके साथ खड़ी है और इनको बताइए कि हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो ईद की नमाज के साथ खड़े हुए थे मौलाना के साथ मस्जिद के अंदर, और नमाज वो फोटो छपी थी सब जगह भगवत मान की।
कि वो ईद की नमाज में इमाम के साथ खड़े हुए और नमाज पीछे पढ़ रहे थे। अच्छा। उन्होंने एक एग्जांपल पेश किया, जबकि पंजाब में मुसलमानों वोट बहुत ज्यादा नहीं, डिसाइडिंग नहीं है, 1% से कम वोट है, उसके बाद भी उन्होंने सबका सम्मान किया। अच्छा। तो हम जो है परसेंटेज की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति करते, जाति राजनीति। पंजाब के मुख्यमंत्री नमाज पढ़ रहे थे ईद की नमाज में, पूछे मस्जिद में, इनसे पूछिए मस्जिद के अंदर जो भगवत मुख्यमंत्री जी गए थे वजू करके गए थे या बगैर वजू गए थे, बताइए आप, बता दीजिए ताकि भाई। अरे बताइए वजू बनाया था कि नहीं बनाया था, बताइए। अरे जिसकी नीयत साफ है, उसका ईमान साफ है, जो लोगों की मदद कर रहा है, उसको ऊपर वाला देख रहा है, वो फैसला करेगा। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौम के दिन का मालिक अल्लाह है, फैसला वो करेगा। आप मालिक ना बनिए, आप अपना काम करिए, बंदगी करिए, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ईमान की पहली बुनियाद कलमा, बताइए वजू बना के मस्जिद में गए थे कि नहीं गए थे, गुस्ल किया था कि नहीं किया था, इसका जवाब दीजिए। बताइए भाई, आपको पूरा पूरे देश का मुसलमान सुनना है भाई, बताइए। आप ऐसी बातें कर देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? पेपर में निकला था कि नमाज इमाम के पीछे खड़े हुए थे, नमाज हो रही थी, बुरा नहीं क्या बात इसके अंदर? और ईद की नमाज जरूरी है मस्जिद के अंदर, ईद की नमाज मैदान में बाहर भी होती है, ईदगाह में भी होती है, इनको क्या जानकारी मस्जिद के अंदर गए थे? और दूसरी बात यह है कि वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, आपको बालके जो बीती जो हम दिन का मालिक अल्लाह है, वो डिसाइड करने वाला है। आप मालिक नहीं, आप मालिक ना बनिए, आप बंदा बंदगी करिए, अल्लाह की बात करिए। इसका सवाल जो है वो अल्लाह पूछेगा, वो जानता है सब कुछ। बताइए ना, अल्लाह ने पहले जनता से, अरे आपको क्यों पता है, आप कौन होते पूछने वाले? अरे वो बताएंगे, नहीं बताएंगे आपको। सवाल भाई, ताकि भाई आपको नहीं बताएंगे कैसे गए थे वो, ताकि भाई आपको नहीं बताएंगे कैसे गए थे। नहीं, ये कौन होते पूछने वाले, मेरे को कौन बताया? मंदिर में जब जाते हैं तो पैर हाथ मुंह धो के जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो पैरों को धो के तब गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी, इनके मुख्यमंत्री जी गुसल करके गए हैं, वजू करके गए हैं, जवाब दीजिए। बता दीजिए भाई, बता दीजिए, बताइए सही भाई। अरे मैं कह रहा हूँ उनसे कि माल के यौमिद्दीन, यौम के दिन का मालिक अल्लाह है, वो चीजों को डिसाइड करने वाला वो है। आप अपना काम करिए, यही तो परेशानी है। जब ये कुछ लोग जिनको मजहब की कम जानकारी होती है, इल्म कम होता है, वो लोग फैसले करने लगते हैं, तभी इस्लाम के अंदर इतना सब हो गया। इन लोगों ने जिनको इल्म नहीं है, दीन के बारे में मालूमात नहीं है, वो फैसले करने बैठ गए, वो काजी बन गए, और जब काजी बन गए तो इन्होंने यही किया सब। आज तक ये सवाल किसी के जहन में नहीं आया, किसी ने सवाल नहीं पूछा, सबने पहले लगाया। जो लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, क्या उनके दिमाग में सवाल नहीं आया? इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, अरे बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट कराइए। विवेक पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए विवेक जी। मैं जिम्मेदारी से मैं सुन रहा था, दोनों ही सम्मानित भाई हमने, लेकिन आज चूंकि विचारों की लड़ाई है तो मैं एक सवाल पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती थी, उसको किसने रोकने का काम किया था, जो कि हाईकोर्ट से भी जीत करके आए थे, लेकिन वो भर्ती ही निरस्त कर दी गई। वो किसने की थी? 17 की भर्ती थी, 16-17 की, वो भर्ती निरस्त की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, क्योंकि उसके आगे उर्दू शिक्षक लिखा था, जबकि उसमें सभी जाति के लोग थे। उसके बाद इन्होंने कहा राष्ट्रवाद का प्रेम, राष्ट्रवाद का प्रेम था तो जिसने सालों साल तिरंगे को स्वीकार नहीं किया वो आपका थिंक टैंक कैसे हो सकता है? उससे बड़ी बात, अगर आप तकी भाई से एक सवाल पूछ रहे हैं, वुजू किया कि नहीं किया, तकी भाई बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ने का, जो पूछ लिया सवाल, मैं वही कह रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या आज तक किसी मस्जिद में भी गए संदेश देने के लिए भाईचारे और एकता का? इसका ही जवाब दे दीजिए पहले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सर्वधर्म समभाव किसी कार्यक्रम में गए होंगे मस्जिद में। तो मुझे लगता है इनसे पूछिए, जब नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में बनारस में गए थे, जब बाहर से गेस्ट आए थे पंजाब वहां से जापान से उनको दिखाने के लिए, तो क्या वजू की था उन्होंने? ताकि भाई यूपीएसआई 2021 की भर्ती में उत्तर प्रदेश में जो धांधली घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदारी ठीक है? ठीक है, क्यों कोई मीडिया स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, या क्यों एसआईटी नहीं जांच कर, क्यों सीबीआई जांच नहीं हो रही है, कितने कमीशन ले लिया भैया उत्तर प्रदेश सरकार? ठीक है फिलहाल चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। लंकी जी पे आज जो कार्रवाई हो जी जी ठीक है, आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा ये थी कि किस तरह से यहाँ पर जो बयानबाजी है उसका दौर जारी है, राष्ट्रीय स्तर की बयानबाजी और राज्य स्तर की बयानबाजी।
खैर राष्ट्रीय स्तर की बयानबाजी इसलिए है कि गुजरात चुनाव है, हिमाचल प्रदेश चुनाव है, एमसीडी चुनाव है और अगले साल राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव है, तो ये बयानबाजी राष्ट्रीय स्तर पर चलती रहेगी। और राज्य स्तर की चुनाव अगर बात करें, बयानबाजी की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो भी चलेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र की राजनीति को पाया जा सकता है। उपचुनाव है मैनपुरी, खतौली, रामपुर में, पर इस तरह के बयानों से होना क्या है? भारतीय राजनीति की सूचना खराब होगी, भारतीय राजनीति की जो एक गरिमा वो खराब होगी। और अगर जनता के मुद्दों की बात करना तो मेरे ख्याल से जनता के मुद्दों पर बयानबाजी हो तो बेहतर होगा। संघर्ष करना है तो केवल डिबेट में नहीं, बयान पर नहीं, संघर्ष धरातल पर करना होगा। अगर वास्तव में चाहते हैं कुछ परिणाम बेहतर आए, कुछ बदलाव हो या जनता के मुद्दे हल हों, तो उसके लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, ना कि ट्वीट पर, सोशल मीडिया पर या डिबेट पर। डिबेट करते रहेंगे, बयान देते रहेंगे, अब इस राजनीति से देश में ना कुछ होने वाला है और ना कुछ हो रहा है। अगर वास्तव में कुछ करना है, बदलना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है तो सड़कों पर आइए। ट्वीट और सोशल मीडिया की राजनीति का चरण अब खत्म हो चुका है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।